सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी की गोला गोकरनाथ सीट पर बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी ने वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा की है। इस सीट पर उपचुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि गोला गोकरनाथ सीट पर मेन मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। 391,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और यह सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। 7 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा। सभी जितने हमारे वोटर्स हैं गोला विधानसभा के, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने मतदान का प्रयोग और अवश्य करें, लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें। और उन लोग को सख्त चेतावनी है जो जरा भी बदमाशी करने का सोच रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया। कुल 3 जोन हैं और 29 सेक्टर हैं। इसके अलावा 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 2 ASP लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हर एक बूथ को CAPF से कवर किया गया है। लगभग 60% बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है और यथा आवश्यक माइक। आज आपने मतदान किया है, अपने मत का प्रयोग किया, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? एक तो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के जो रोडें हैं समय थोड़ा और उनको सुधारना चाहिए, और भी जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हो सकें। बस इन्हीं उम्मीदों पर आपने मतदान? हाँ, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा, यहाँ का थोड़ी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, बस। किस मुद्दे पर वोट करके आए बेटा? गोला का विकास हुआ है अरविंद गिरी के बाद, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो ऐसा ही काम अपने पापा के जैसा करेंगे तो आगे भी ऐसा उसे करेंगे। वोटिंग करके आई वो? किस मुद्दे पर वोट किया आपने? काम अच्छा हुआ है और अच्छी व्यवस्था है अच्छे उसकी। जी, क्या एज होगी आपकी? पहली बार वोट किया है? नहीं, सेकंड टाइम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, गोला गोकरनाथ सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? लगभग 10% 9 बजे तक वोटिंग भी हो गई है, जैसे कि आप देख सकती है। इसमें मौजूद गोला के पब्लिक इंटर कॉलेज में मौजूद है, यहाँ पर बाकायदा जो वोटर है बराबर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और कई बूथ बनाए गए हैं। शांति व्यवस्था भी पूरी तरीके से काम कर रही है, काफी लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। गोला विधानसभा में 7 जिसमें एक महिला भी शामिल है, लेकिन जो गोला विधानसभा में जो भाजपा और सपा के 2 प्रत्याशी हैं टक्कर देखने को मिल रही है बराबर। धीरज, बूथों पर आप खड़े हैं, कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से सुरक्षा जो है, सुरक्षा व्यवस्था सुचारू ढंग से की गई है। काफी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और CSP की यहाँ पर जवान तैनात किए गए। वो तो हर बूथ पर 440 जो बूथ बनाए गए उन पर CSP तैनात की गई है बराबर। और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस फोर्स यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, काफी सुरक्षा व्यवस्था है। लोग लाइन लगाए हुए हैं वोटर और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। धीरज, गोला गोकरनाथ सीट पे ना तो BSP ने अपना प्रत्याशी उतारा है और ना कांग्रेस ने उतारा है, तो सपा और BJP के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में न उतार गए थे, ये एक जरूर चिंताजनक विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को अगर हम भाजपा के पार्टी के सदस्यों के द्वारा लें तो उनका सीधे तौर से कहना है कांग्रेस और जो बसपा ने प्रत्याशी न उतारे, उससे जो है हमारा प्लस पॉइंट जरूर बनता है। धीरज, आप मतदान केंद्र में खड़े हैं, आपके पीछे कुछ मतदाता नजर आ रहे हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि क्या वो मुद्दा देख रहे हैं, कैसा उत्साह है उनमें? जी बिल्कुल, जो मतदाता है उनसे बात करने का प्रयास। आपने अपना वोट डाल दिया? अच्छा,
और भी लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करके आए हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने मत का प्रयोग करके किन मुद्दों पर आपने अपने मत का प्रयोग किया है? और क्या उम्मीद लगा करके आपने वोट किया? जी बिल्कुल, ये वोट डाल करके आए, इनसे साफ तौर से कहना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमने वोट किया है और हमने विकास कार्य है जिसको लेकर और भी लोग बराबर आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे लोगों से। हमने देख सकते हैं आप जो लाइनें लगी हुई है, लोग आ रहे हैं बराबर वोट कर रहे हैं। अभी आपने वोट कर दिया, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है आज? किन मुद्दों को लेकर क्या चाह रही है उत्तर प्रदेश में बदलाव, या क्या किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया? जी जिस तरीके से माता जी ने बताया कि हमारे जो लड़के हैं उनको नौकरी मिल जाए और हम बुजुर्ग हैं, हमें भी कुछ चाहिए, तो इस तरीके से लोग जो है अपने मत का प्रयोग करें। एक और महिला है जो अभी अभी अपने मत का प्रयोग करके आ रही, क्या नाम है आपका? क्या आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है? किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोटिंग की है? क्या चाह रही है बदलाव, या क्यों कोई विकास कार्य नए तरीके से किया जाए, किन क्या विचार करके आपने मत का प्रयोग किया? अच्छा, कहना है इनका मल्ला का साफ तौर से कहना है कि जो लोग जो विकास कार्य हो रहा है बाकायदा, उन्हीं मुद्दों पर हमने वोट किया है। आपने अपने मत का प्रयोग किया है, आप युवा हैं, क्या आपने सोच करके अपने मत का प्रयोग किया है? हमें नौकरी मिल जाए, वो अच्छे काम हो रहे हैं भाजपा सरकार में, और मैं भाजपा को वोट देना चाहता है कि भाजपा जो है बढ़िया काम कर रही है और जो है आगे भी विकास कर रही है। उन्होंने सबका साथ सबके विकास के नाम पर इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है बताया है। युवक है, इन्होंने बताया कि हमने अपने मत का प्रयोग किया है, जो सरकार है उन्होंने अच्छा काम भी किया है, और भी लोग बराबर आप देख सकते हैं बाकायदा कतारें लगी हुई हैं, वोटर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी तो धीरज, क्या लग रहा है मतदाता के बीच, कौन सा है मुद्दा बना हुआ है, मतदाता कौन से मुद्दे को देखते हुए वोट डाल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विकास के मुद्दे पर जो नवयुवक है, बेरोजगारी है, और विकास के मुद्दे पर ही वोट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने अभी अभी बात भी की है, लोगों ने बताया है। जी धीरज, पूर्व विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी ने मतदान कर चुके हैं और अभी तक 10% वोटिंग हो चुकी है। हेलो हेलो धीरज, भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी वोट डाल चुके हैं और अभी तक 10% वोट हो चुका है। जी बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने वोट डालने के पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद में अपना वोट डाला है। वही सपा से जो प्रत्याशी विनय तिवारी है, उन्होंने भी अपने मत का पब्लिक इंटरकालीन में अपना वोट डालने के बाद में हमारी उनसे वार्ता भी हुई है काफी, तो हमने उनसे जानकारी करने का प्रयास भी किया कि जो आपकी पार्टी के 39 कार्यकर्ताओं की सूची जारी की गई थी, इसमें कोई बड़ा चेहरा गोला विधानसभा सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं आया, तो क्या इस पर सीधे तौर से उनका कहना कि जो सपा के एक एक कार्यकर्ता जो जुझारू है और वो संघर्ष की लड़ाई हमेशा से लड़ता आ रहा, आगे भी संघर्ष की लड़ाई लड़ेगा? धीरज, भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है जनता किसकी तरफ ज्यादा झुकते हुए नजर आ रही है? देखिए अभी तो ये मतदान शुरू हुआ है, लोगों से वार्ता चल रही है, अभी इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से युवा और विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। धीरज, एक बार आप हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, आप मतदान केंद्र में खड़े हैं, दिखाने की कोशिश करें कि कैसा वहां माहौल है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाए कि किस तरीके से लोग कतारों पर खड़े हुए हैं, बाकायदा जो वोटर है उनमें एक जोश का माहौल है, किस लाइन में बाकायदा लाइन बनी हुई है, लोग आ रहे हैं, अपने मत का बराबर प्रयोग कर रहे हैं। इंटर कॉलेज है गोला है जिसमें करीब 7 बूथ बनाए गए हैं, लोग बराबर वोटिंग कर रहे हैं। धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए।
अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।